कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है। नाथ साहब ने बताया है कि 11 लाख रुपए इस पे इनाम रखे हैं और ये क्या है किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे एक बात कह देता हूँ कि इस दुनिया में जो महापुरुष होते हैं, जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो अवतार लेते हैं, वो किसी की समझ में नहीं आते हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता है। जैसे राजीव छाजेड़ जी ने बताया कि जानी बैरागी वो कवि है जो मोटरसाइकिल से बाइक से अहमदाबाद में पहली बार आया था। अब इन्हें कैसे बताएं कि हम वो अवतारी दिव्य पुरुष हैं जो बाइक से आते हैं। आपको ये भी जानकारी नहीं है कि अगला आदमी चाय बेच रहा था और चाय बेचते बेचते 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से जा रहा है। ये दिव्य पुरुष कैसे आते और कैसे जाते हैं किसी को पता। इसलिए इस दिव्य पुरुष की शरण में तुम आ जाओ, मैं तुम्हें अभिदान दे दूं। सीबीआई ईबीआई ईडीबीडी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अब ऐसी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। समय सबको निर्धारित कर दिया गया है राजीव भैया ने कि सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। समय इतना कम है, इतना कम है कि ये कहने का भी समय नहीं है कि समय कम है। और आप मारवाड़ी कब से इस मंच से यही चिल्लाया, बात हो रही 2 घंटे से, बोले मारवाड़ी लोग बैठे हुए, मारवाड़ी बैठे हुए हैं तो मारवाड़ी तो बैठता ही है, मारवाड़ी कब खड़ा होता है, मारवाड़ी तो बैठता ही है। और बैठ बैठ के जाना कहाँ कहाँ से दूर दूर से बुलाइए, बेटी साहब को बुला ले लो साहब, दिल्ली से आ गए, बम्बई से नहीं, अभी हाल हवाई जहाज से ये उतरे। अब मैं इन भेजी साहब और इन सबसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप यहाँ आकर के हमको सुन रहे हो बजाय आप वहाँ पे हमको बुलाओ ना। भाई हमको वहाँ बुला रहे हैं, क्या मतलब आप मारवाड़ी हो तो हम आपसे भी बड़े वाले मारवाड़ी हैं। और अब खास करके कुमार बिया को छोड़ करके हम जो 4 कवि हैं हम खतरनाक वाले मारवाड़ी हैं। जब हमको मालूम है ये दौर अभी 22 जनवरी वाला सूरत देश सारी दुनिया जब राममय हो रही है तो इस राममय में 500 वर्ष पहले बाबा तुलसी लिख करके चले गए कि वही होई जो राम रचि राखा, इस दुनिया में वही होगा जो राम ने रखा है, राम के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। तो जब हमको ये पता है कि अगला आदमी 30 लाख रुपए ले जा रहा है धनुष रामचंद्र जी तोड़ेंगे तो हम उछल कूद क्यों करें। जरा दोनों हाथ खड़े करके हम तो मेहनत करेंगे, ये काम ऑलरेडी वही हो जो राम रची रखा। चैनल वाले लोग उनको यही बोल दिन रात लगे हुए परसों से बोले कांग्रेस नहीं जाएगी राम मंदिर की उद्घाटन। मैं इनका कोई बात नहीं, वही हो जो राम रची रखा। बोले अब की बार मोदी जी 400 पार। मैं इनका वही हो जो राम रची रखा। ये सब राम की मर्जी से ही होता है, बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं आपके बीच में बिल्कुल कम समय लूंगा, कैसा समय लेना नहीं लेना ये सारी फोगट की बातें, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ अहमदाबाद के प्यारे लोगों, इस देश और दुनिया में इस हिंदुस्तान में जो भी हुआ है पूरी ईमानदारी से हुआ है। इस देश के 140 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है। हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा, मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। फिर हमने चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टाके तो गलत सुलत आई है। जरा हाथ खड़ा करे, ये गुजरात का गर्व है मेरा भाई। हम लोगों के टाके में दर्द हो रही है, टाके में तो टाके में दर्द हो रहा है, तो वो चिल्ला रहा है बोले ये गलत हो रहा है, ये गलत। मैंने कहा कुछ भी गलत नहीं हो रहा, वही हो रहा है जो राम ने रचा। इसलिए आप सब चुपचाप देखते रहो, इंतजार करो, ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा और तरह तरह की बातें कर रहे हो। अरे बोलो राम मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा ना, रोटी मिल जाएगी और ये मिलेगा और शिक्षा मिलेगी और नहीं। मैंने कहा शिक्षा अच्छा तुमको इससे क्या लेना देना, ये डॉक्टर प्रोफेसर है युग कवि कुमार विश्वास जी, बुद्धि प्रकाश जी डॉक्टर है, हमारे विनीत चौहान डॉक्टर, हमारे ये सारे पढ़े लिखे लोग डॉक्टर है। मैं गाँव का रहने वाला आदमी बिल्कुल अनपढ़ आदमी, उससे क्या फर्क पड़ रहा, मैं भी कर दूंगा ही राम जब ये जो कर रहे हो, जब यही करना तो फिर पढ़ लिख के क्या। राम मंदिर से रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, हरमन का क्या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा राम मंदिर रोटी 22 जनवरी के बाद में। जिस जिसको ये तकलीफ है मेरे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पे बैठे हुए महाराणा प्रताप
लोगों को ये तकलीफ है कि राम मंदिर से क्या रोटी मिल जाएगी, क्या रोजगार मिल जाएगा। मेरा उन लोगों से कहना है कि 22 जनवरी के बाद राम मंदिर के बाहर पेड़ी पे कटोरा लेके बैठ जाना, रोटी बराबर मिलेगी आपको, राम सबको देगा, क्यों नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो, गुजरात के लोगों, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सब उत्तर प्रदेश से है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि मैं हूं भी इसका। एक बात जैसे रोहित भाई कह रहे थे कि मेरे से बहुत प्यार करते, इनका काम ही है, विनीत भैया और कुमार भैया दोनों हमारे बड़े कवि, मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। मेरी समस्या ये कि एक तो दो इकट्ठे बड़े हो गए, अब इसको प्रणाम नहीं करूँ तो ये नाराज, और इसको नहीं करूँ तो ये नाराज, अब मोदी जी की तो ये मजबूरी की है, शंकराचार्य जी नाराज हो जाए, ये नाराज हो जाए तो ये इस चक्कर में चारों शंकराचार्य नाराज हो चुके हैं। पर उन शंकराचार्य को कौन बताए क्या रखे विप्रधेन सुर संत, मैं चारों शंकराचार्य जी से देश कितने बड़े कविवर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति में ये बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के चारों शंकराचार्यों ने कह दिया कि हम अयोध्या के अंदर नहीं जाएंगे। मैं उन शंकराचार्य जी से गर्वभ ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि अस्थि ढेर जब वहां चित्रकूट में राक्षसों ने अस्थियों का ढेर रखा रखा था, उस वक्त शारंग पाणि श्री भगवान श्री राम जी ने राक्षसों को मारा है मेरे भाई। इस देश के राजा का मजबूत होना बहुत जरूरी है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो वही कोई जो राम जिसकी मर्जी पड़े वो जाओ, जिसकी मर्जी पड़े वो बन जाओ। नहीं यार मेरी माता बहने यहाँ पर बैठी हुई है, बहुत बढ़िया शानदार मामला चल रहा है हमारे। एक बात में आपके बीच में बता देना चाहता हूँ, समय बहुत कम है और वाकई में समय बहुत कम है, परंतु इस बहते हुए समय में, दौड़ते हुए समय में, इस भागते हुए समय में, इस भागते हुए समय के अंदर मैं कहना चाहता हूँ हमारे कुमार भैया, आज हमें इस बात का गर्व है, हिंदी संपूर्ण हिंदी को इस बात का गर्व है कि 8000 VVIP लोग अयोध्या में अवध धाम में सामने, चाहे उसमें अमिताभ बच्चन हो, चाहे रजनीकांत हो, चाहे उसमें सचिन तेंदुलकर हो, चाहे देश के 8000 लोग सामने बैठेंगे और प्रभु श्री राम जी की एक घंटे की स्पीच हमारे डॉक्टर साहब की होगी। ये हिंदी की जीत है, कुमार विश्वास की क्या, पूरे देश के हमारे राष्ट्रमाता हिंदी की जीत है, इसलिए हमें इस बात का गर्व है। काफी हाउस के अंदर बैठे हुए लड़के और लड़की, ये सारे पढ़े लिखे, आप लोग भी पढ़े लिखे, मैंने पहले ही बता दिया मैं तो पढ़ा लिखा हूँ कोई मतलब ही नहीं। वहां काफी हाउस में बैठ करके लड़के और लड़की जब टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की बाड़ियों की बात करते हैं, ऐसे युवा दौर के अंदर डॉक्टर कुमार विश्वास ने यह बताया कि इस देश का सुपरस्टार वो टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन नहीं है। आजान भुज सर चाप धर, अगर भुजाएं देखना है तो रघुनंदन की भुजाएं देखो और उस युवा पीढ़ी को उस ओर डाइवर्ट करवा जो राम कथा के माध्यम से पूरी देश दुनिया में हमारी राष्ट्रमाता हिंदी को जो मजबूत कर रहे हैं। मैं सदैव कुमार विश्वास जी की जुबान पे 24 घंटे माता सरस्वती विराजमान रहती है, विनीत भाई का दिमाग खराब हो गया, बोले अगर इनकी जुबान पे सरस्वती माता विराजमान रहती है तो जब ये खाना खाते हैं तो सरस्वती माता को बहुत दिक्कत होती है। मैंने कहा सरस्वती जी को थोड़ा साइड से कर देते हैं, इसके बाद